वेलकम बैक। यहां खबर शामिल करेंगे सात का बाद से, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन सरसब्ज़ पाकिस्तान की तकमील के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पर पुरअज़म। आज फेज फोर में संजरपुर अलकरम फिलिंग स्टेशन के सामने मोटरवे सेंट्रल रिजर्वेशन में 600 पौधे लगाए गए। सादकाबाद आईजी मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम की हिदायत के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बे 24 के अफसरान और अमला ने फेज फोर में मोटरवे सेंट्रल रिजर्वेशन में 600 से ज्यादा पौधे लगाए। इस शजरकारी मुहिम में थाना कोट सब्जल के SHO भी शामिल थे। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस फरासत अली भिंटर का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान की शजरकारी मुहिम में मोटरवे पुलिस भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। रवामा बे 24 में नेशनल हाईवे पर 3500 पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाना सुन्नत भी है और सदका जारिया भी, और ये असरे जाहिर की अशद जरूरत है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी का कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल दे सकें। समुंदरी डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला, दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों डाकू शहरियों को लूटकर फरार हुए थे। पुलिस सराय के मुताबिक समुंदरी थाना तरखानी के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। इस दौरान दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों डाकुओं ने पुलिस पार्टी के रोकने पर सीधा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दोनों डाकुओं को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों रिकॉर्ड याफ्ता डाकू डकैती और राहजनी के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद करके पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। शेखुपुरा थाना बी डिवीजन के इलाके में अताई डॉक्टर जुनेद उजैर ने 14 साल लड़की को गलत दवाइयां दे दी, जिससे लड़की की हालत तश्वीशनाक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक अताई डॉक्टर जुनेद अजीज ने एक ही वक्त में एक दुकान में जनरल स्टोर, क्लॉथ हाउस, मेडिकल स्टोर और क्लिनिक बनाया हुआ था। अताई डॉक्टर होम्योपैथिक जुनेद अजीज ने 14 साल लड़की को अंग्रेजी दवाई दी, जिसके खाने से उसकी हालत ज्यादा तश्वीशनाक हो गई और उसको DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसने जो मेडिसिन खाई है, इसकी वजह से इसकी हालत तश्वीशनाक हो गई है। वर्सा का कहना है कि ऐसे भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वर्सा ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ से मुतालबा किया है कि वो फौरी नोटिस लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी 7 सितंबर तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत के हवाले से रैलियां और तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं नवीद अहमद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत के हवाले से रैलियां और तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला जारी है। अलवफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कबीरवाला से कुकड़हट्टा रोड तक रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और ख़त्मे नबूवत की हिफाजत करने वालों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने देखा हालिया दिनों में अगर कोई ख़त्मे नबूवत का मुनकर उठा तो गाजी खालिद मैदान में आया, अगर कोई मुनकर उठा गाजी अल-मदीन मैदान में आया। अगर कोई जुरत अब भी करेगा, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम एक भी जिंदा हुआ तो खत्मे नबूवत पर आज इंशाल्लाह नहीं आने देंगे। जिस तरह कुरान एक जामे बल्कि अजमा और अकमल और कामिल किताब है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नबूवत भी ताकियामे कियामत जामे अजमा कामिल और अकमल और आसन और अतियब मकाम वाली रिसालत है। कुरान भी क़यामत तक रहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत भी क़यामत तक रहेगी। रैली के इख्तिताम पर खत्मे नबूवत के गाजियों और शहीदों के लिए खसूसी दुआएं भी करवाई गईं। आखिर में फिजा खत्मे नबूवत जिंदाबाद और कादियानियत मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद, JNN न्यूज़, कबीरवाला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज़।